खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 के हमें मिल गए हैं टॉप 5 फाइनलिस्ट। कौन पहुंचा है अपनी मेहनत से और किसको बस उसकी किस्मत ने पहुंचाया, और इनमें से किसके जीतने के हैं चांसेस सबसे ज्यादा। लेट्स फाइंड आउट एवरीथिंग विद योर वन एंड ओनली स्टोरी गर्ल मोनिका। करणवीर मेहरा इस साल के सबसे पहले फाइनलिस्ट बने, सुपर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग करणवीर मेहरा। करण ने शुरू से आज तक हर तरह के स्टंट में अपना बेस्ट दिया, फिर चाहे वो पांडा स्टंट में कश्मीर को हराना हो या फिर डॉग स्टंट में अपने प्यार शिल्पा से जीतना हो। करण ने हमेशा इस शो को अपनी परफॉर्मेंस से बस रिस्पेक्ट ही दिखाई है और वो हर तरह से फाइनलिस्ट बनना डिजर्व करते हैं। शालीन बनौत, शालीन बने हैं इस सीजन के सेकंड फाइनलिस्ट, बट कोई भी इतना खुश नहीं है शालीन को फिनाले में देखकर, क्योंकि शालीन ने सबसे पहले तो दो स्टंट्स को अबॉर्ट किया, फिर एक स्टंट में इंस्ट्रक्शन और रूल्स के खिलाफ जाकर परफॉर्मेंस दी, और उसके बाद फिर चॉपर स्टंट में जानबूझकर उस स्टंट के हिसाब से सबसे वीक खिलाड़ी नियति को चूज किया। अब भाई ये सब एक रियल प्लेयर की निशानियां तो नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि शालीन ने कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। कश्मीर को एक स्टंट में हराना और स्पीड बोट के स्टंट में अपना बेस्ट देना आर गुड, बट इट्स नॉट एनफ। कश्मीर महाजनी, कश्मीर शुरू से ही एक विनर मटेरियल के रूप में निकल कर आए और वो बन गए हैं खतरों के खिलाड़ी के इस साल के तीसरे फाइनलिस्ट। कश्मीर फ्लेक्स के कुछ स्टंट्स के अलावा कभी भी कोई भी स्टंट नहीं हारे, और फ्लेक्स के स्टंट भी बस वो किस्मत से हार गए, नहीं तो कश्मीर की परफॉर्मेंस और जज्बा ऐसा था कि शायद वो इस सीजन में एक भी स्टंट नहीं हारते। अब देखते हैं कि फिनाले स्टंट में इनका जज्बा हावी होता है या फिर किस्मत। अभिषेक कुमार इस साल के चौथे फाइनलिस्ट बने, अभिषेक कुमार जिनका नाम आने पर इनके फैंस को लगा था कि इस सीजन को अभिषेक के अलावा कोई नहीं जीत सकता, लेकिन शो में इनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद इनके फैंस की गलतफहमी दूर हो गई। अभिषेक के यहां तक पहुंचने के पीछे थोड़ी सी इनकी मेहनत है नो डाउट, लेकिन उससे कई ज्यादा अभिषेक की किस्मत है। कभी वो बिना स्टंट किए सेफ हो जाते हैं, तो कभी उनको ऐसे स्टंट मिलते हैं जिसमें उनके सामने उन स्टंट के अकॉर्डिंग थोड़ा वीक खिलाड़ी होता है। अब ये टॉप 5 में तो पहुंच गए हैं, लेकिन क्या टॉप 3 में अपनी जगह बना पाएंगे, भाई मुझे तो डाउट है। कृष्णा श्रॉफ, सुपर फिटनेस बैकग्राउंड से आई कृष्णा की जर्नी खतरों के खिलाड़ी में काफी अपडाउन से भरी हुई रही। कृष्णा ने पहले स्मार्ट खेलने की कोशिश की, पर वो उन पर उल्टा पड़ गया और वो एलिमिनेट हो गई। बट फिर उनके वापस वाइल्ड कार्ड में आने के बाद कृष्णा को अपनी स्ट्रेंथ यानी कि अंडर वाटर स्टंट और कार स्टंट करने के कुछ ज्यादा ही मौके मिले, और उनके डर आप समझ गए होंगे, क्रीपी क्रॉली से उनका सामना एक बार भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो वीक से स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी बनती हुई दिखी और पहुंच गई है फिनाले में। इनमें से आपको क्या लगता है किसे बनना चाहिए मोस्ट डिजर्विंग विनर ऑफ खतरों के खिलाड़ी सीजन 14? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट के लिए अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।